टी20 विश्व कप 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में हुई विराट कोहली की मौत। दोस्तों, अगर आप भी इस खबर को पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, टी20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम का चौथा मुकाबला बांग्लादेश की टीम के साथ था, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर बनाए 184 रन। काफी लंबे समय के बाद आखिरकार केएल राहुल के बैट से निकली एक शानदार पारी। केएल राहुल ने 32 गेंदों पर 50 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें केएल राहुल ने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। विराट कोहली ने अपनी पुरानी फॉर्म को पकड़ लिया है। विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट की तीसरी अर्धशतकीय पारी खेली। विराट कोहली ने 44 गेंदों पर 64 रन की नॉट आउट पारी खेली, जिसके साथ ही उन्होंने भारतीय टीम के स्कोर को 184 रन पर पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद बारिश ने खेल में विघ्न डाला और बारिश के कारण बांग्लादेश की टीम को 16 ओवर में 151 रन का लक्ष्य था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी कर इस मुकाबले को 5 रन से जीत लिया, जिसके साथ ही भारतीय टीम अपने ग्रुप में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। भारतीय टीम के 6 अंक हो चुके हैं और अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं रहने वाला कि भारतीय टीम ने सेमीफाइनल की टिकट ऑलमोस्ट पक्की कर ली है।